Of some सर्वे ऑफ सम इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ वॉर के बाद हमें यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट यूरोपियन यूनियन के बारे में बता देती हूँ पहले स्टूडेंट यूरोपियन यूनियन एक पोलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है ठीक है ई यू शॉर्ट में इसे कहते हैं कब बना ये फर्स्ट टाइम मेंबर 1993 में इस्टेब्लिश हुआ इसका एरिया है अराउंड 4.3233 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया है 27 28 मेंबर स्टेट्स हैं जो प्राइमरली यूरोप में लोकेटेड है 28 यूरोपियन यूनियन की फाउंडर स्टेट्स कौन थे थे अब हम वो पढ़ते हैं जर्मनी फ्रांस इटली बेल्जियम नेदरलैंड्स, लुग्जमबर्ग ये इसके फाउंडर स्टेट्स थे ठीक तो है मेंबर स्टेट तो हैं ही लेकिन इन्होंने ही यूरोपियन यूनियन की जो है नीव ना जिसे कहते हैं ना वो रखी तो ये है यूरोपियन यूनियन हमारा आई ये रीड कर दे सेकेंड वर्ल्ड वार फॉलोड बाई द कोल्ड वार गेव राइज टू कॉन्स्टेंट इस्टेबिलिटी विच हैज़ ऑलवेज मोटिवेटेड द यूरोपियन कंट्रीज टू कम टुगेदर कोल्ड वार जब सेकंड कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद जब कोल्ड वार हुआ तो जो एक इनस्टेबिलिटी थी कि लोग बढ़ जाते थे यूरोप बढ़ जाता था कभी ईस्ट में कभी वेस्ट में कभी कैपिटलिज्म में कभी कम्युनिज्म में कभी यूएसए में, में, में तो कभी यूएसएसआर में तो ये एक इंस्टेबिलिटी थी एकता नहीं थी तो इसने ही राइज दी कि हम वो यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो मोटिवेट हुई कि वो एक साथ आए एकता रहे उनमें तो यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने फॉर्म किया इट इज ऑन दिस बेसिस दैट यूरोपियन यूनियन वॉज स्टैब्लिश द यूरोपियन यूनियन बिगे एज अ ऑर्गेनाइजेशन विच वॉन्टेड टू फॉस्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया जो चाहता था कि उसकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो वो अच्छी हो द आइडिया बिगिन दैट कंट्रीज दैट ट्रेड विथ वन अनदर बिकेम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड सो मोर लाइकली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट आइडिया क्या था कि जो कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड करेगी वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे यूरोपियन यूनियन में ना स्टूडेंट मेंबर स्टेट्स हैं ऑस्ट्रिया क्रोट्रिया डेनमार्क फ्रांस हंगरे लतविया माल्टा पोर्तगाल स्पेन रोमानिया नदरलैंड पोलैंड स्वीडन इटली ग्रीस फिनलैंड जैक रिपब्लिक बुल्गारिया बेल्जियम साइप्रस एस्टोनिया जर्मनी डेनमार्क ये सारे जो हैं अराउंड ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट मेम्बर स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के यूरोपियन यूनियन में और भी जैसे हमने अभी पढ़ा कि कोल एंड स्टील कम्युनिटी है इकोनॉमिक कम्युनिटी है ये सब पहले ही क्रिएट हो गए थे 1951, 1957 में लेटर दीज वेरियस ऑर्गेनाइजेशन मर्ज टुगेदर एंड रिफर टू एज अ यूरोपियन कम्युनिटी जब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन तो पहले ही बन गए थे यूरोप के कंसर्न को लेकर उसके बाद बाद में नाइनटीन में ये सारे साथ में आए और इन्होंने एक यूरोपियन कम्युनिटी बनाई In 1973, an agreement was signed to create European Parliament. The process of creating a single market for the European Union began in 1980s. 73 में European Parliament के लिए agreement signed किया गया, European Parliament create किया गया. उसके बाद यही process जो है, वो single market के तरफ आया और उन्होंने single market बनाई for European Union जो 1980s में शुरू की गई and was completed in 1993. The Maastricht Treaty was signed in 7th February 1992 to create European Union. This treaty led to the expansion of sphere of cooperation, which now included internal affairs, judicial affairs, foreign and defense policies. The economic treaty led to the creation of an economic union which had a common currency, euro. It is the official currency of 19 out of 28 countries of the European Union. Student लेटर 1973 में यूरोपियन पार्लियामेंट क्रिएट किया गया उसके बाद यूरोपियन यूनियन के लिए मार्केट बनाई गई जो 1993 में कंप्लीट हुई 1980 से जब वो स्टार्ट हुई एक ट्रीटी साइन की गई ऑन सेवन फेब्ररी नाइनटीन टू को टू क्रिएट यूरोपियन यूनियन जब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बन गए थे तो उन्होंने बोला अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते था तो उसका नाम रहेगा यूरोपियन यूनियन ये ट्रीटी ने जो है उसमें इंटरनल अफेयर्स आ गए यूरोपियन यूनियन के जो 28, 27, 28 जो अपनी कंट्रीज़ हैं उन सब के इंटरनल अफेयर्स जुडिशियल मैटर्स फॉरेन पॉलिसीज़ ये सारी चीज़ें अब डिफेंस पॉलिसीज़ सारी चीज़ें यूरोपियन यूनियन में डिस्कस होगी ये सारी कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट ऑल द यूरोप स्वीडन फिनलैंड स्टोनिया लथाविया लुथेनिया पोलैंड जेक स्लोवाकिया हंगरे रोमानिया बुल्गारिया ग्रीस इटली स्लोवेनिया ऑस्ट्रिया बेल्जियम जर्मनी लग्जमबर्ग फ्रांस मोनाको स्पेन पुर्तगाल डेनमार्क नॉर्वे ये सारी कंट्रीज जो हैं वो साइप्रस यूरोपियन यूनियन में आती हैं इनमें से यहाँ पे बता रहा है इनमें से 19 कंट्रीज जो ऐसी हैं जिनकी ऑफिशियल करेंसी यूरो है दीज कंट्रीज आर कलेक्टिवली नोन एज यूरो जोन अब ये 19 कंट्रीज कौन है आपको याद रखना है आपको लिखना है आपके पेपर में आपको ये मैंशन करना है ठीक है क्योंकि एक इंप्रेशन बनता है तो इसलिए आप जरूर पढ़िए ऑस्ट्रिया फ्रांस माल्टा पोर्तुगाल स्लोवेनिया स्पेन नेदरलैंड्स, लुथेनिया आयरलैंड जर्मनी इस्तोनिया साइप्रस बेल्जियम फिनलैंड ग्रीस इटली लग्जमबर्गो स्लोवाकिया आर दी कंट्रीज जिनकी ऑफिशियल करेंसी जो है वो यूरो है यूरो स्टूडेंट एक काफी भारी करेंसी है एक्चुअली हर जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है सिर्फ वही वो करेंसी ले सकता है यूरोप में भी तो ग्रीस की भी मतलब काफ़ी एक स्टोरी रही है कि ग्रीस ने कैसे कैसे वो करेंसी ली अब आप ग्रीस की हालात देखेंगे वो करेंसी संभाल नहीं पाई है ग्रीस की हालात काफ़ी ख़राब है तो जो ये करेंसी है इसलिए वो हर कंट्री को नहीं मिली है जिसकी इकोनॉमी उसको हैंडल कर सकती है यूरो करेंसी को उसको ही वो करेंसी मिली है तो ये मेन रीज़न है द प्रोसेस ऑफ यूरोपियन कोऑपरेशन बिगिन एज अ प्योरली इकोनॉमिक यूनियन जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है सत्ताईस अट्ठाईस मेंबर स्टेट्स हैं जो लोकेटेड है यूरोप में ही तो शुरू जब हुआ तो वो एक प्योरली इकनॉमिक यूनियन ही था एंड इन्वाल्व इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद वेरियस पॉलिसी एरियाज लाइक क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट हेल्थ एक्सटर्नल रिलेशन सिक्योरिटी एंड लेकिन धीरे धीरे ये सारे चीज़ भी उसके कंसर्न में आने लगी कैन यू फाइंड आउट हुआ दी मेम्बर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन मैंने बता दिया आपको कितने मेम्बर्स हैं यूरोपियन यूनियन के अब आप फाइंड करिए और ज़रूर याद रखिए आपके आंसर में मैंशन पूरे नहीं तो एटलीस्ट पाँच छः दस और एक्सेट्रा लिख दीजिए आगे तो इतने तो रहने ही चाहिए स्टूडेंट्स इससे क्या है आपका आंसर इम्प्रेसिव लगता है देखो मेक अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज हुफ़ यूरोन मैंने अभी बताया आपको नाइनटीन कंट्रीज ऐसी हैं जो यूरो करेंसी होल्ड करती हैं तो वो यूरोजोन में आती हैं मैंने बताया है अब आप उसको रिकॉल कीजिए लिखिए कहीं पे या गूगल कीजिए और उसको लिख कर रखिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके आंसर शीट में आपके आंसर को इम्प्रेसिव कर देंगी द क्रिएशन ऑफ शेंगेन एरिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन शेंगे एरिया शेंगे स्टूडेंट लग्जमबर्ग जो है ना उसमें एक गांव है एक विलेज है उसके नाम पे पड़ा है शेंगे एरिया ये विलेज से ना जर्मनी की बॉर्डर और फ्रांस की बॉर्डर भी मिलती है तो इस विलेज के नाम से ये शेंगेंग एरिया इसका नाम पड़ा है शेंगे एरिया एक जोन है जहाँ पे छब्बीस यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं कितनी ट्वेंटी सिक्स यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं ये जिन्होंने अपनी इंटरनल बॉर्डर्स को जिन्होंने अपनी इंटरनल बॉर्डर्स को अबॉलिश कर दिया उनको ये कंट्री से वो कंट्री के जाने के लिए वीज़ा नहीं लगेगा वो ऐसे ही जा सकते हैं उन्होंने अपनी इंटरनल बॉर्डर को फ्री कर दिया है अनरिस्ट्रिक्टेड कर दिया है फॉर पीपल मूवमेंट ऑफ पीपल इन हार्मनी विथ कॉमन रूल्स एंड कंट्रोलिंग एक्सटर्नल बॉर्डर एक्सटर्नल बॉर्डर को वो कंट्रोल करते हैं और इंटरनल बॉर्डर को उन्होंने फ्री कर दिया है अनरिस्ट्रिक्टेड कर दिया है ताकि जो लोग हैं वो काफ़ी हार्मनी से यहाँ वहाँ मूव कर सकें एक कॉमन रूल है उसी को फॉलो कर सकें और मिलकर कर के खिलाफ और अपनी जो जुडिशल सिस्टम है उसको स्ट्रेथन करें और पुलिस में कॉपरेशन हो तो ये मेन है ये इसको शेंगहेंग एरिया कहते हैं 26 यूरोपियन कंट्रीज आती हैं शेंगहेंग एरिया के अंडर जहाँ पे इंटरनल बॉर्डर्स नहीं हैं फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं लोगों के लिए कॉमन रूल्स हैं और एक्सटर्नल बॉर्डर्स को उन लोग कंट्रोल करते हैं तो समझ में आ गया क्या है शेंगिंग एरिया आइए अब रीड करते हैं यहाँ पे इसको क्या कह रहा है द क्रिएशन ऑफ एरिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ई यू द शेंगे क्योंकि शेंगे एरिया में उनमें इतनी एकता देखी गई कि उन्होंने अपनी इंटरनल बॉर्डर्स को फ्री कर दिया इससे जो है यूरोपियन यूनियन और स्ट्रांग बन गया मतलब कोई दूसरी कंट्री या कोई दूसरी सुपर पावर आकर किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती वो आपस में इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड है हारमोनी के साथ रह रहे हैं तो दैट्स व्हाई इट इज़ कि ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है यूरोपियन यूनियन की शेंगिंग एग्रीमेंट कवरिंग द अबॉलिशमेंट ऑफ इंटरनल बॉर्डर्स अभी मैंने बताया अबॉलिशमेंट ऑफ इंटरनल बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज वॉज साइंड इन 1985 1985 में शेंगिंग एरिया वाला एग्रीमेंट साइन किया गया था द एग्रीमेंट वॉज साइंड बाई फाइव यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस जर्मनी बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग एंड लेदरलैंड इन शेंगेंग अ स्मॉल विलेज in southern luxembourg. the schengen visa is the most common visa for europe. the schengen area is an area without internal borders. in this area, nationals of european union and even non-european union nationals, including business people and tourists, can travel from country to country freely and easily. <laughs> शेंगेंग एरिया में अगर आप यूरोपियन यूनियन के हैं या नहीं है लेकिन अगर आपके पास जैसे आप नॉन यूरोपियन यूनियन और आपके पास शेंगहंग वीज़ा है जो कि एक बहुत फेमस वीजा है तो आप जो शेंगे एरिया में जो छब्बीस कंट्रीज है उसमें फ्रीली घूम सकते हैं ठीक है आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई आप पर रोक टोक नहीं है यू कैन ट्रैवल कंट्री टू कंट्री फ्रीली एंड ईजिली इजिली बहुत बहुत ईजी ट्रैवल कर दिया गया है अगर आप टूरिस्ट हैं बिजनेस पीपल हैं दे डू नॉट हैव टू गो थ्रू चेक्स एंड कंट्रोल्स वैन द पास फ्राम वन कंट्री टू अनदर टू डे ट्वेंटी टू आट ऑफ ट्वेंटी एट कंट्रीज ऑफ द यूरोपीय यूनियन अ पार्ट ऑफ शंग एरिया ट्वेंट शेंगे एरिया अब जो ये येल्लो कलर में है वो शेंगे एरिया है शेंगहेंग मेबर्स हैं और यूरोपियन मेंबर यूरोपियन यूनियन के मेम्बर हैं और जो ये डार्क थोड़ा येल्लो में है वो यूरोपियन है, मेंबर हैं बट नॉट शेंगेग मेम्बर ये शेंगहेंग है न नॉन बट यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं और जो डार्क डार्केस्ट कलर है वो मेंबर ऑफ शेंगे बट नॉट द यूरोपियन ओ ये सारे मैप्स आप ध्यान में रखिए हैं ठीक है आपके टेक्स्ट बुक में ही इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपको बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है यूरोपियन काउंसिल हाउ डज यूरोपियन यूनियन वर्क इतना बड़ा यूनियन है इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं तो कैसे ये काम करता है आइए

थ्री लेजिस्लेटिव ब्रांचेस हैं जैसे हमारे इंडिया में भी हमारे पार्लियामेंट की ब्रांचेस हैं वैसे यूरोपियन पार्लियामेंट में भी थ्री लेजिस्लेटिव ब्रांचेस हैं यहाँ पे 751 मेंबर्स लिखा है मे बी सेवन या 705 मेंबर्स, जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा वही है वही प्रेफर करिए दूरपियन पार्लीमेंट इज़ कम्पोज ऑफ सेवन फिफ्टी वन मेंबर्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड एवरी फाइव ईयर्स हर पाँच साल इनके बाद इनका इलेक्शन होता है और सेवन फिफ्टी मेम्बर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट में रहने के

का क्या काम मालू? है मालूम? वो करते हैं ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शंस को और प्रायोरिटीज़ को कि क्या पॉलिटिकल प्रायोरिटीज रहनी चाहिए क्या डिसीजन हमें लेना है ये 9th December, 9th of December 1974 में फॉर्म हुआ है ये सारी चीजें अब

यूरोपीय काउंसिल एस्टैब्लिश हुआ था यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में 27 जजेस हैं हर मेंबर स्टेट से एक जज आता है 11 एडवोकेट जर्नल है इसका हेड जो है वो लक्जमबर्ग सिटी में है 1952 1952 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। आई होप दिस मच इज क्लियर सार्क एस ए आर

इसके साथ मेंबर थे लेकिन 2007 में अफगानिस्तान भी यहाँ पे ऐड किया गया सार्क ऑर्गेनाइजेशन or है जो साउथ एशिया की बांग्लादेश को मिला के एट कंट्रीज ठीक है बांग्लादेश का एड हुआ है इंक्लूड हुआ है सार्क में 2007 याद रखिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हेड स्टेट कौन कौन से हैं बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका ये सारों ने फॉर्मली पहले अडॉप्ट किया था चार्टर सार्क का और सार्क का स्टेब्लिशमेंट हुआ अफगानिस्तान वॉज एडेड एट्थ चाइना यूएसए यूरोपियन यूनियन अलॉन्ग अदर नाइन अदर नेशन हैव बीन विद द ऑब्जर्वर स्टेटस चाइना यू एस ए यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज और नौ अदर ऐसे नेशंस हैं जो ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए रखे गए हैं द मेन नेम ऑफ सार्टैब्लिश अ डायलॉग इन साउथ एशिया विद दिस कंटेक्सट साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर प्रीफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट सप्ताह केम इन टू एग्जिस्टेंस इन नाइनटीन नाइनटी थ्री सार को सार को इसलिए स्टैब्लिश किया गया ताकि साउथ एशिया में जो है डायलॉग हो बातचीत हो कंट्रीज़ के बीच में उसको ही फॉलो करके हुए जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बनाया गया SAPTA जो 1993 में इस्टैब्लिश किया ट्रेड को मेन इशू रखते हुए लेटर 2006 में सार्क को फ्री कर दिया गया ट्रेड एग्रीमेंट में भी सार्क ट्रेड एग्रीमेंट्स भी अब सार्क में एक्टिवेट होने लगे थ्रू साउथ एशियन एसोसिएशन फ्री ट्रेड एरिया सफ्ता बना, सप्ता बना व्हिच रिप्लेस्ड अर्लियर रिजाइम ऑफ सप्ता ओके काफी छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल अगर नहीं दी गई है स्टूडेंट तो जो मैं आपको बता रही दू आप नोट डाउन कर लीजिए एंड प्लीज मेंशन इट बाई राइटिंग योर आंसर इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बी आई एम एस टी ई सी इज अ मल्टी सेक्ट्रल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्ट्रल एंड टेक्निकल कॉरपोरेशन बी आई एम एस टी सी इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन सेवन इट कम ऑफ सेवन म्बर स्टेट इट कम प्राइजेस ऑफ सेवन मेंबर स्टेट लाइंग इन द लिटरल एंड एडजस्टेंट एरिया ऑफ बे ऑफ बंगल जो लिटरल और एडजस्टेंट एरिया में आते हैं बे ऑफ बंगॉल के वहाँ की जो कंट्रीज हैं वहाँ के जो स्टेट्स हैं वो इसके मेंबर स्टेट हैं अमंग दैम फाइव आर फ्रॉम साउथ एशिया इंक्लूडिंग बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल श्रीलंका एंड टू फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग म्यांमार एंड थाईलैंड BIMSTEC acts as a bridge between South and Southeast Asia and mainly aims to facilitate rapid economic development and promote collaboration on matters of common interest. साउथ ये ऑर्गेनाइजेशन का BIMSTEC का मेन मोटिव यही है कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक ब्रिज रहे जहाँ पे हम मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर सकें डायलॉग रख सकते हैं और उस पर काम कर सकें और जो भी कॉमन इंटरेस्ट है

ब्रिक्स एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जो अब इमर्ज हो रही हैं बढ़ रही हैं वो कंट्रीज़ को मिला कलेक्ट कर कर इकट्ठा कर कर ब्रिक्स का स्टैब्लिशमेंट हुआ है नाइन्थ सेप्टेम्बर टू में इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी हर साल इसकी मीटिंग होती है

और अभी जो है ये वर्चुअली हुई थी इट्स ओरिजिनल मेंबर्स वर ब्राजील रशिया इंडिया एंड चाइना साउथ अफ्रीका इट ऑन टू ब्रिक्स मेंबर्स वर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ब्रिक्स की में जो मेंबर्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं तो ये सारे मिलके अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम कर रहे हैं अपने इकोनॉमी ग्रोथ पर काम कर रहे हैं दे हैव लार्ज फाइव फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल एंड ग्लोबल अफेयर ऑल ऑफ दैम आर में यह हम आगे पढ़ने वाले हैं पहले हम पढ़ेंगे अपना शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एससी ये एक पोलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इट इज ऑल्सो नोन एज शांघाई पैक्ट इन यूरेशियन पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायस यूरेशियन यूरोप एंड एशिया तो देखिए ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं ये ब्रिजिंग करते हैं यूरेशिया यूरोप टू एशिया तो इससे जो है लिंकेज इतना होता है इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट ग्लोबलाइजेशन का ये सारे ऑर्गेनाइजेशन से ही फ्लो होते हुए हम जाएंगे कैसे ब्रिजिंग हो रही है ब्रिजिंग हो रही है एक दूसरे से कंट्रीज आस पास आ रही है ट्रेड हो रहा है ग्लोबलाइजेशन प्रोमोटर है तो इसके फ्लो में ही हमारा सेकेंड चैप्टर है तो काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है ये सारी चीज़ें एस सी ओ इज़ अ पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फाउंडेड इन शंघाई बाय बाई लीडर्स ऑफ चाइना रशिया कजाकस्तान कजाकिस्तान तजाकिस्तान एंड उजबेकिस्तान इन द ईयर टू थाउजेंड वन इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइन इन टू थाउजेंड सिक्सटीन याद रखिए इंडिया और पाकिस्तान ने 2016 में एस को ज्वाइन किया बाकी एस की स्टेब्लिशमेंट तो 2001 में हो गई थी विद मेंबर स्टेट ऑफ चाइना रशिया कजाकिस्तान क्रिजाकिस्तान तजगेस्तान एंड उज्बेकिस्तान इन पास्ट फ्यू ईयर्स एस सी ओ हैज़ फोकस्ड ऑन काउंटर टेररिज्म एस सी ओ ने आज अपने पहले के दिनों में काउंटर टेररिज्म पे काम किया उसके बाद उसका मेन फोकस जो है वो पीस मेंटेन करने में है स्टेबिलिटी मेंटेन करने में है और जितने रीजनस हैं जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में डायलॉग करने के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स एस सी यू ऑल्सो इनक्रेज इफेक्टिव कोऑपरेशन इन ट्रेड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आइए पढ़ते हैं हमारा लास्ट पॉइंट विच इज जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी इज एन इंटरनेशनल फोरम स्टैब्लिश इन 1919 नाइनटीन फॉर गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर फ्रॉम नाइनटीन कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन जी ट्वेंटी कब फॉर्म किया गया 1999 में जी ट्वेंटी का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ ट्वेंटी ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो 19 कंट्रीज़ को मिलाकर और यूरोपियन यूनियन 19 कंट्री 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन इज इक्वल्स टू जी ट्वेंटी ये है हमारा जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर बना है ये किस लिए काम करता है आइए वो देखते हैं ये मेजर इश्यूज़ जो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड हैं सच एस इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्लाइमेट चेंज या मिटिगेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सारे इश्यूज को जी में डिस्कस किया जाता है यही के लिए वो काम करता है इट वॉज फॉर्म्ड विद द प्राइमरी एम टू डिस्कस पॉलिसीज रिलेडिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिंस टू थाउजेंड एट द जी ट्वेंटी समिट्स आर अटेंडेड बाई हेड्स ऑफ द गवर्मेंट और दैड ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विद द फाइनेंस मिनिस्टर एंड फॉरन मिनिस्टर जी ट्वेंटी की समिट हर साल जो है वो उसके गवर्नमेंट हेड जो है वो अटेंड करते हैं विद द फाइनेंस मिनिस्टर एंड फॉरन मिनिस्टर

आगे के चैप्टर में जैसे कि यहाँ बताया है कि इस चैप्टर में हमने ट्रेंड्स पढ़ा कि कैसे कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ जब यूएसएसआर बिखरा जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो क्या क्या ट्रेंड्स हमें देखने मिले क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद क्या मेजर चेंजेस हमें वर्ल्ड में नोटिस किए वो हमने पढ़ा अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इसी फ्लो में रहेगा जैसे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर कैसे ख़त्म हुआ है और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को हमने पढ़ते पढ़ते ये चैप्टर ख़त्म किए जहां पे लिंक होता है एक कंट्री दूसरे कंट्री से एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से अब इसी से फ्लो होते हुए हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा ऑन ग्लोबलाइजेशन आई होप स्टूडेंट ये चैप्टर काफी क्लियर रहा है नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे और पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टे यून टू दिस चैनल टेक केयर